आज मैं वेजिटेरियन रेसिपी बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने जलकुंभी और जलकुंभी के साथ और सरसों का बीज, उसको मैं अभी पेस करके लाऊंगी, उसके साथ ही मैं रेसिपी बनाऊंगी। और फ्रेंड, आप लोग मेरे चैनल देखिए, मेरे वीडियो भी देखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। मैं जो भी नया नया रेसिपी डालूंगी वीडियो, तो आप लोग तक पहुँच जाए, मैं यही चाहती हूँ। आप लोग भी मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए। उबले हुए पानी पर मैं जलकुंभी को डाल देती हूँ हाफ बॉईल करने के लिए। जलकुंभी बॉईल हो गया, अभी निकाल लेती हूँ मैं। और हरा मिर्च एक साथ पेस्ट कर लिया मैंने। हरा मिर्च और सरसों एक साथ पेस्ट करने से कड़वा नहीं लगता। पानी भी डाल दिया मैंने, थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर रही हूँ। जलकुंभी फ्राई करने के लिए थोड़ा सा सरसों का तेल डाल रही हूँ कढ़ाई पे। अभी जलकुंभी डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए। थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से नमक, जलकुंभी फ्राई हो गया, निकाल लेते हैं। सरसों का तेल डाल रही हूँ कढ़ाई पे, काले जीरे तो थोड़ा सा हाथ से ऐसा करके तेल पे डाल देंगे। किया हुआ सरसों का बीज और ग्रीन चिली डाल रही हूँ मैं। थोड़ा सा हल्दी, नमक अपने स्वाद अनुसार ही डालना। फ्राई किया हुआ जलकुंभी डाल देते हूँ। इसमें पानी डाल रही हूँ। कटा हुआ हरी मिर्च भी डाल देते हूँ। थोड़ी सी चीनी डाल देते हूँ। मेरी रेसिपी रेडी हो गई, मैं निकाल लेती हूँ।
बहुत अच्छा लगा मुझे सब्जी को। आप लोग भी अपने घर पे ट्राई करके देखिए, ऐसे रेसिपी बना के खा कर देखिए, बहुत अच्छा लगा मुझे।